फर्स्ट वर्स है यहाँ पे, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे। देखिए ये जो लाइन है ये हिंदी वाली शब्द में लिखी गई है कि मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं पर ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। ठीक है, कुछ इस तरीके से हिंदी में लिखा गया है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ट्रांसलेटेड वर्जन। लो आई एम बिसाइड दी, आई एम निदर इन द टेम्पल नॉर इन द मॉस्क्यू, आई एम निदर इन काबा नॉर इन कैलाश, निदर आई एम इन राइट्स एंड सेरेमनीज, नॉर इन योगा एंड रिनंसिएशन। इफ दो आर्ट अ ट्रू सीकर तो सॉल्ट एट वंस सी मी, तो सॉल्ट मी सी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, कबीर सेज ओ साधु गॉड इज द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ। ठीक है, तो ये वो स्टेंजा है जो आपको दिया गया है, आपको ये याद रखना है क्योंकि क्योंकि आपके सिलेबस में ना ट्रांसलेशन भी है, तो आपको कोई भी वर्ड्स या कोई भी पोइट्री में से स्टेंजा दिया जा सकता है ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है। एंड जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो फिर आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी बताना होगा, तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप क्लास ट्वेल्थ में सीख चुके होंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस वर्स में कबीरदास जी कहते हैं दैट गॉड डज नॉट लिव इन रिलीजियस प्लेसेस, जो ईश्वर है वो किसी भी धार्मिक स्थान में निवास नहीं करते हैं, ना वो मंदिर में रहते हैं, ना ही वो मस्जिद में रहते हैं, सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन रिलीजियस रिचुअल्स, तो इसलिए हमें धार्मिक गतिविधियों में या धार्मिक कार्यक्रमों में अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, ये कबीरदास ने उस समय लिखा गया है, बट अगर हम अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो रिलीजियस रिचुअल्स ही हैं जो आपके मन को पीस पहुंचा सकते हैं। बट इस वर्स से कबीरदास जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि ईश्वर को आप अपने अंदर ढूंढें, आप उसको अपने मन में तलाशें, किसी भी रिचुअल में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में वो निवास नहीं करते हैं। वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड बी मर्सीफुल, वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें दयावान होने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। इट इज़ ओनली ट्रू वे टू फाइंड आउट हिम, अब यही एक तरीका है कि आप अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करें तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सच्ची भक्ति करने का मतलब केवल यही नहीं है कि आप दिन रात मंदिर में बैठे रहें या आप दिन रात मस्जिद में बैठे रहें, यहाँ पर सच्ची भक्ति से मतलब है कि आप अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और दयावान रहें, स्वार्थ को त्याग दें, तो इस तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ दी ओनली ट्रू वे टू फाइंड आउट हिम, ये सिर्फ एक असली रास्ता है, सिर्फ यही एक सच्चा रास्ता है जिनसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह पर ईश्वर विद्यमान होते हैं, ही कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय फॉलोइंग रिलीजियस राइट, आप उन तक केवल और केवल रिलीजियस राइट्स को पूरा करके या फिर किसी भी धार्मिक गतिविधि को पूरा करके नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब धार्मिक गतिविधियां एकमात्र रास्ता नहीं है। ही सेज दैट गॉड डज नॉट लिव इन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ईंटों से और पत्थरों से बने हुए मकानों में ईश्वर नहीं रहते हैं, ना ही टेम्पल में, ना ही मस्जिद में, ही लिव्स इन लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो जिंदा दिलों में, जिंदा इंसानों में रहते हैं, आपके मन में बसे हैं, आपके कर्मों में बसे हैं। तो सिंपल सा एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जैसे देखें कि जगह जगह जाकर आप ईश्वर को तलाश करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पे आप जाते हैं सिर्फ इस खोज में कि वहाँ आपको ईश्वर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिस मन की शांति को, जिस पीस को आप चारों तरफ तलाश रहे हैं, अगर आप उसको अपने अंदर ढूंढें, अपने कर्मों में ढूंढें, तो स्वतः ही आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी फर्स्ट वर्स, तो शुरू करते हैं सेकंड वर्स है, संतन जात ना पूछो निर्गुनिया। अब ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो हिंदी में कबीरदास ने शब्द लिखा है उसकी फर्स्ट लाइन है ये, बट यहाँ पे क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ट्रांसलेटेड वर्जन आपको दिया गया है, तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सो इट इज़ नीडलेस टू आस्क अ संत द कास्ट, देखिए ट्रांसलेशन आपको इन्हीं लाइन से क्लियर हो रहा होगा, दैट इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ अ संत द कास्ट, मतलब किसी संत से, किसी साधु से उसकी जाति पूछना एकदम मीनिंगलेस है, नीडलेस, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टू विच ही बिलोंग्स, मतलब वो किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये पूछना एकदम व्यर्थ है। फॉर द प्राइस्ट द वॉरियर द ट्रेडर्स मैन एंड ऑल द 36 कास्ट अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड, जितनी भी 36 हमारे पास जातियाँ हैं, सभी को ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर का पूजा पाठ वो कर सकते हैं। इट इज़ बट फोली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ ए संत में भी, ये पूछना एकदम व्यर्थ है, एकदम मूर्खतापूर्ण है कि आप किसी साधु संत से उसकी जाति पूछें। द बार्बर हैज़ सॉट गॉड, द वॉशरमैन, द वॉशरवूमेन एंड द कारपेंटर, इवन रैदास वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड। अब देखिए कोई बार्बर है या कोई भी वॉशरमैन है या कारपेंटर है, सभी को ये पूरा पूरा राइट है कि वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि संत रविदास या संत रैदास के बारे में आपने सुना होगा, ऋषि स्वापचा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक टेनर थे। देखिए टेनर वो होते हैं जो क्या करते हैं,
उसको हिंदी में कहते हैं चर्मकार, मतलब जो चमड़े का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के काम करने वालों को अक्सर निम्न कुल में गिना जाता है, निम्न जाति से माना जाता है, बट उसके पश्चात भी उन्होंने क्या किया है, ईश्वर की भक्ति की है। हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ये जो जातिगत भेदभाव है ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में सोसाइटी बटी हुई है, तो वो जो सोसाइटी बटी हुई है वो लोगों ने बांटी है, ईश्वर ने इस तरीके का कोई भी डिस्टिंक्शन या कोई भी विभाजन नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा वर्स टू, अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। द पोइट सेज दैट वन शुड नॉट आस्क द कास्ट ऑफ एनी संत। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि आपको किसी की भी जाति नहीं पूछनी है, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू नैरो वॉल्स ऑफ कास्ट, क्योंकि आप किसी भी साधु या संत को किसी भी जाति या धर्म की छोटी दीवारों में कैद नहीं कर सकते हैं। बिफोर गॉड एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, वेदर ही बिलोंग्स टू एनी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देखिए, भगवान की शरण में या भगवान के समक्ष हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करे। कहने का मतलब है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, सबको समान अधिकार है और सभी ईश्वर के समक्ष समान हैं। ही मे बी अ बार्बर, वो कोई बार्बर भी हो सकता है, कोई धोबिन भी हो सकती है, कारपेंटर भी हो सकता है। ही शुड बी रिस्पेक्टेड, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ संत, क्योंकि वो एक संत हैं, इस वजह से आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, ना कि इस वजह से कि वो कोई कारपेंटर है या वो कोई ब्राह्मण है या वो कोई क्षत्रिय है। तो आपको उनकी जाति को देख करके उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट देनी है बिकॉज ही और शी इज़ अ संत। जैसे कि संत रैदास हैं, ऋषि स्वापचा हैं, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, भगवान की भक्ति में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं या बहुत सारी ही चीज़ों को लिखा है, तो जिसको कि बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। अब देखिए, वो एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो उन्होंने लिखा है गलत है या उनको अधिकार नहीं है इन चीज़ों का। इन सम वेज हिंदू मुस्लिम आर रिलीजियस मार्क, तो हिंदू मुस्लिम जो रिलीजियस हैं उनको बाय बर्थ मार्क कर दिया गया है। अब जो मार्क किया गया है वो ह्यूमन ने खुद नहीं किया है, गॉड ने किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया है। तो ईश्वर हमें धर्म या जाति के बेसिस पे नहीं बांटते हैं, ये भेदभाव समाज ने खुद बनाया है। तो कहने का मतलब है, अगर हम एक लाइन में बात करें इस वर्स का, जो सार है वो केवल इतना है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ईश्वर की शरण में जाने का, भक्ति करने का उनको पूरा पूरा अधिकार है। तो किसी भी जाति या धर्म ये डिसाइड नहीं करता है कि वो व्यक्ति संत हो सकता है या नहीं हो। इस घट अंतर बाग बगीचे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटेड वर्जन को देख लेते हैं एक बार। विद इन दिस अर्थन वेसल आर बाउल्स एंड ग्राउस, एंड विद इन इट इज़ द क्रिएटर, विद इन द वेसल आर द सेवन ओशन एंड अननंबर्ड स्टार, द टच स्टोन एंड ज्वेल अप्रेजर्स आर विद इन, एंड विद इन दिस वेसल द अर्थन साउंड एंड स्प्रिंग वेल्स अप। कबीर सेज लिसन टू मी माई फ्रेंड, माई बिलव लॉर्ड इज विद इन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन, क्या बताने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि जो पूरा संसार है वो एक बाग बगीचे की तरह है, या एक बहुत बड़ा वो अर्थन वेसल है, और ये जो सारी यूनिवर्स है, क्रिएटर ने इसको कैसा बनाया है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। द पोइट सेज दैट द होल यूनिवर्स लाइज इन अर्थन पॉट, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक अर्थन पॉट के अंदर समाया हुआ है, मतलब पूरा संसार क्या है, एक मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, ही कंपेयर्स यूनिवर्स विद एन अर्थन पॉट, क्यों उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को एक मिट्टी के बर्तन या एक मिट्टी के घड़े से कंपेयर किया है। अकॉर्डिंग टू हिम द काम एंड पीसफुल शेड ऑफ ट्रीज, द कूलनेस ऑफ सेवन ओशन, द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ स्टार्स, द वाटरफॉल एंड देयर सोर्स विद देयर स्वीट मेलोडी एंड नाउ एवर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का उनका यहाँ पर मतलब है कि जितना भी पीस आप देखते हैं पूरे संसार में, या पेड़ों की छाया देखते हैं, या जो सेवन ओशंस हैं उनकी कूलनेस को आप महसूस कर पाते हैं, तारों का टिमटिमाना है, या जितने भी झरने हैं, जितनी भी चीज़ें आपको एक स्वीट मेलोडी प्रोवाइड कराती हैं, वो जो सारे सोर्स हैं वो सब इस संसार के अंदर आते हैं। तो ये पूरा संसार एक मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का एक घड़ा है। ठीक है, दे प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट द क्रिएटर लाइज इन हिज क्रिएशन, कहने का मतलब है कोई भी क्रिएटर अपनी क्रिएशन के अंदर ही समाया हुआ होता है। जैसे कि ये पूरा संसार ईश्वर ने बनाया है, अब हम ईश्वर को यहाँ से वहाँ ढूंढते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वर्स में भी पढ़ा था कि मंदिर मस्जिद में हर जगह हम उसको ढूंढते हैं, बट जो ईश्वर है वो अपनी हर क्रिएशन में समाया हुआ है। जैसे ये सेवन ओशंस हैं, ट्रीज हैं, स्टार्स हैं, इन सभी में आप ईश्वर को देख सकते हैं।
तो अपनी खुद की क्रिएशन में खुद ही ईश्वर समाये हुए हैं, एंड क्रिएशन लाइज विद इन द क्रिएटर, द प्रीशियस ज्वेल एंड पर्ल्स आर विद इन द ज्वेलर्स। कि जिस तरीके से आप देखें कि सोने या चांदी की चीज़ों को एक कसौटी पर तारा जाता है कि वो कितनी खरी हैं या कितनी खोटी हैं, तो इसी तरीके से ये पूरा संसार है, इसी तरीके से हम खुद हैं। कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें खुद से अंदर से काफ़ी प्राउड फील होता है अपने आप पर, हम खुद की ही पीठ थपथपाते हैं कि हाँ ये हमने अच्छा काम किया है। और जहाँ हम कुछ गलत कर देते हैं, बेशक हम उसको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता होती है कि हाँ यहाँ हम गलत थे, और खुद से हमें अंदर से वो आवाज़ आती है कि हाँ हमने गलत किया है। तो इसी तरीके से ये संसार है, इसी तरीके से हम खुद हैं, कि हम खुद को एक कसौटी पर उतारते हैं कि कितने हम खरे हैं कितने खोटे हैं, जिस तरीके से एक ज्वेलर करता है। एंड इन द एंड ही सेज दैट द लवर ऑफ बिलव्ड सोल इज ऑल्सो नॉट आउटसाइड। कि किसी भी बिलव्ड सोल का जो लवर है वो आउटसाइड नहीं है, वो उसके खुद के अंदर, उसकी खुद की सोल में, उसकी खुद की बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वर्स ट्वेल्थ जो कि है, हमसे कहो पुरातन बात। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कबीरदास के शब्द की हिंदी लाइन है। ठीक है, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांसलेटेड वर्जन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है, तो एक बार हम ट्रांसलेटेड वर्जन में ये जो लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है स्वान से कि उन्हें, मतलब स्वान से कि स्वान तुम मुझे अपनी पुरानी बात या अपनी पुरानी कहानी सुनाओ। फ्रॉम वॉट लैंड डू यू कम, तुम किस भूमि से या किस देश से आते हो। ओ स्वान टू वॉट शोर विल यू, एक सेकेंड, टू वॉट शोर विल यू फ्लाई, वेयर वुड यू टेक योर रेस्ट। ओ स्वान एंड वॉट डू यू सीक, इवन दिस मॉर्निंग ओ स्वान अवेक अराइज फॉलो मी, देर इज अ लैंड वेयर नो डाउट नो सोरो हैव रूल्ड, वेयर द टेरर ऑफ डेथ इज नो मोर, देयर द वुड ऑफ स्प्रिंग आर अ ब्लूम एंड फ्रेग्रेंट सेंट इज अ बोन ऑन विंड, देयर द बी ऑफ हर्ट इज डीपली इमर्स्ड एंड डिजायर नो अदर जॉय। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्स 12। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द ग्रेट पोइट कबीर एड्रेसेस ह्यूमन सोल एज अ स्वान। देखिए यहाँ पे जो वर्ड स्वान यूज़ किया गया है, हंस से जो कंपेयर किया गया है, वो एक ह्यूमन की सोल को कंपेयर किया गया है। तो कबीरदास यहाँ पे कहते हैं कि ओ स्वान, जो स्वान है वो एक सिंबल है एक प्योरिटी का और डिविनिटी का। ठीक है, ही आस्क फ्रॉम वेयर द सोल हैज़ कम, वो पूछते हैं कि ओ स्वान तुम किस देश के वासी हो, तुम कहाँ से आते हो कहाँ को जाते हो। मतलब वो उस सोल से पूछना चाहते हैं कि वो सोल कहाँ से आई है, वेयर इट विल गो और कहाँ वो चली जाएगी, एंड वेयर इट विल टेक रेस्ट और कहाँ जाकर कि वो खुद को आराम देगी। ऐसा नहीं है वो हमेशा उड़ती रहेगी या हमेशा यहाँ से वहाँ वो जाती रहेगी। He himself replies, the soul has come from the land. अब उन्होंने खुद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो सोल है वो कहाँ से आई है, वो लैंड से, वो ज़मीन से आई है। There is no sorrow, वो एक ऐसी ज़मीन से आई है जहाँ पे ना कोई डर है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, और ना ही वहाँ पे मृत्यु का डर है। No fear of death and no sorrow, ठीक है। It lives in wood from where the spring, की ऐसी woods में निवास करती है जहाँ पे क्या है, spring रहता है, कभी भी वो spring वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। द फ्लावर्स कीजलेसली ब्लूम एंड स्प्रेड, जहाँ पे हमेशा पुष्प जो हैं वो खिले रहते हैं, एंड स्प्रेड द फ्रेगरेंस, और अपनी खुशबू को चारों तरफ फैलाए रहते हैं, धरती को महकाए रहते हैं। इट मूव्स विद विंड, वो हवा के साथ मुड़ता है या हवा के साथ चलता है। बी कंटिन्यूसली गेट्स हनी, और जो मधुमक्खियाँ हैं उनको लगातार वहाँ से शहद मिलता रहता है जिससे कि उनको सेटिस्फाइंग फील होता है। इट्स डिज़ायर टू गेट मोर हनी, और उसकी इच्छा है कि उसको और ज़्यादा हनी मिले। अब उसके लिए वो क्या चाहता है कि जो फ्लावर्स हैं वो कभी ख़त्म ही ना हों, जिससे कि उसको हमेशा हनी मिलता रहे। तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, वो हमेशा तलाश रहती है एक पीस की, और कई बार हम खुद भी नहीं जान पाते हैं कि आखिर हम तलाश क्या कर रहे हैं। मतलब हमेशा हमारी कुछ इच्छाएं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, और जब हम उन तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम कुछ और ढूंढने लगते हैं। तो कई बार हमें भी नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, बट हम हमेशा आगे बढ़ने की तलाश में रहते हैं, हमेशा हमें कुछ और चाहिए होता है, कुछ और ज़्यादा या थोड़ा और ज़्यादा। तो सेम यहाँ पर सोल है कि पता नहीं कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कहाँ रेस्ट लेगी, क्योंकि ना तो वो रुकना चाहती है, ना ही वो जानती है कि उसकी मंजिल कहाँ है, केवल और केवल वो बढ़ते रहना चाहती है, और उसको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक हनी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हनी कलेक्ट करना चाहती है, जिसके लिए वो चाहती है कि मतलब इतना हनी कि वो कभी ख़त्म ही ना हो, फॉरएवर फिनिशिंग वाला हनी उसको चाहिए। तो सेम हमारी सोल होती है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर।
एंड अब हमारे सिर्फ दो वर्स बचते हैं, 53 वर्स। अब देखिए ये जो है हिंदी वर्स हैं जिनको कबीर ने लिखा है, और आपके सिलेबस में उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है जिनको कि ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर हर वर्स में जो पहली लाइन दी गई है वो हिंदी वर्स से है, बाकी आपका पोर्शन जो है वो ट्रांसलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो। एंड देन इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है, व्हाट इज दैट फ्लूट हूज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय, द फ्लेम बर्न्स विदाउट अ लैम्प, द लोटस ब्लॉसम विदाउट अ रूट, फ्लावर्स ब्लूम इन क्लस्टर्स, द मून बर्ड इज डिवोटेड टू मून, विद ऑल इट्स हर्ट द रेन बर्ड्स लॉग्स ऑफ शावर्स ऑफ रेन, बट अपॉन हूज लव डज द लवर कंसेंट्रेट हिज ईयर्स। ओके, सॉरी, लवर्स कंसेंट्रेट हिज एंटायर लाइफ। मेनली यहाँ पे जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी मुरली की वो धुन है जिसको सुनकर के उनके जो कान हैं वो आनंद से भर चुके हैं, उनकी अंतरात्मा में उस म्यूजिक या उस फ्लूट की जो ध्वनि है वो भर चुकी है, इससे रिलेटेड इन्होंने चीजें कही हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। द पोएट सेज दैट ही फील्स अ सेंसेशन टू हियर द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो सुनते हैं म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, मतलब जैसे ही उन्होंने बांसुरी के बजने की आवाज को सुना, अब ही डज नॉट नो व्हाट ऑफ व्हिच इट इज मेड अप ऑफ, उनको नहीं पता कि वो जो म्यूजिक है, वो जो फ्लूट है, वो किस चीज से बनी हुई है, किस चीज का वो म्यूजिक है, कौन उसको प्ले कर रहा है। बट वो कहते हैं कि जब मैं उस मुरली की धुन को सुनता हूँ तो मेरे कानों को बहुत ही ज्यादा आनंदित वो महसूस होती है, मुझे बहुत ज्यादा अंदर से जॉय फील होता है, बहुत ज्यादा मेलोडियस वो म्यूजिक है। He feels that there is some divine power, कि कुछ ना कुछ इसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं, because of its grace, the lamp start, मतलब इतना ज्यादा graceful है वो music कि वो कहते हैं कि दीप प्रज्वलित होने लगते हैं, जो lotus है, जो कमल के पुष्प हैं, वो खिलना शुरू हो जाते हैं उस ध्वनि को सुन करके। Without root and the flower begin to bloom, मतलब जो यहाँ पर पुष्प है बिना किसी रूट के वो यहाँ पे ब्लूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, पुष्प खिलने लग जाते हैं। ड्यू टू हर लव, उनके असीम प्रेम की वजह से, द मून बर्ड्स, देखिए मून बर्ड मतलब चकोर को यहाँ पे कहा गया है, जो चकोर है कंटिन्यूसली वो चांद को देखता रहता है, किस तरीके से चांद को वो चाहता है। एंड पीकॉक लॉन्ग्स फॉर रेन, और जैसे एक मोर को बारिश पसंद होती है, एक मोर बारिश में नृत्य करने लगता है उस फ्लूट को सुन करके। He also want to surrender his love and life for that mystic being about whom he does not, he does know। तो वो कहते हैं कि वो भी क्या करना चाहते हैं, जिस तरीके से चंद्रमा, जिस तरीके से चकोर चंद्रमा को चाहता है, एक मोर बारिश को चाहता है, वो भी इसी तरीके से इस म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, और इस म्यूजिक की आवाज में वो खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। अबाउट होम डासी नो, मतलब स्टिल वो इस म्यूजिक के बारे में, इस फ्लूट के बारे में, कौन उसको बजा रहा है, कहाँ से वो बनती है, कैसे वो साउंड प्ले होता है, तो कुछ नहीं जानते, बट वो वॉइस, वो म्यूजिक उनको इतना मेलोडियस लगता है कि वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा भी जागृत हो जाती है, संसार में हर मुरझाई चीज में एक तरीके से जान डाल देती है वो जो धुन है, वो इतनी ज्यादा मेलोडियस है। Yet he has a longing to devote his whole life for him. वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन इनके चरणों में अर्पण कर देना चाहता हूँ, या उस धुन के लिए मैं इस अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी वर्स थी, आई होप आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वर्स है आपकी जो खुदा मस्त, तो इसकी पहली लाइन है जिसको कि कबीरदास ने हिंदी में लिखा है, बाकी की सारी ट्रांसलेटेड है जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो खुदा मस्जिद वसत है। एंड इसका ट्रांसलेशन है, इफ गॉड बी विद इन द मॉस्क्यू देन हुम डज दिस वर्ल्ड बिलोंग। कहने का यहाँ पर अर्थ है कि अगर ईश्वर मस्जिद में बसते हैं तो ये संसार फिर किससे संबंधित है, इस संसार में कौन है। If Ram be within the image, where you find upon your pilgrimage, then who is there to know what happens without hurry? Is in the east Allah, in the west look within your heart, for there you will find both Kareem and Ram. All the men and women of world are his living forms. Kabir is the child of Allah and of Ram.
ही इज माई गुरु, ही इज माई पीर। तो देखिए इस वर्स में सिंपल पॉइंट ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि जो ईश्वर है वो मंदिर में है या वो मस्जिद में है या जो भगवान राम है वो तस्वीरों में है, तो फिर जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पे कौन निवास करता है, बाकी की दुनिया में संसार के हर तत्व में फिर कौन विद्यमान है अगर ईश्वर इस तरीके से चार दीवारी में बंद है तो। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन सम पीपल अबाउट द लिविंग प्लेस ऑफ गॉड। यहाँ पर जो पोएट है वो लोगों से ये पूछना चाहता है कि भगवान का जो एक निवास स्थान है वो कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ रहता है। देखिए वैसे तो इसका आंसर इन्होंने वर्स नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, अगर आपने वर्स फर्स्ट सुनी है तो, अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। He says if God only lives in Moscow, वो कहते हैं कि अगर ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मॉस्क्यू में रहता है, then who lives in entire world, तो इस पूरे संसार में कौन विद्यमान है। If the deities of Hindu, अगर हिंदू देवी देवता जो हैं, वो मंदिर में रहते हैं, पिलग्रिमेज में रहते हैं, then what about the rest places, तो बाकी स्थानों का क्या, बाकी जगह का क्या, वहां पे कौन रहता है, फिर वहां कौन विद्यमान है। कि अगर हम बात करें मंदिरों की, तो ऐसा नहीं है संसार में कोई एक ही मंदिर है, सारे ईश्वर सारे भगवान उसी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान राम के भी काफी सारे मंदिर होंगे, तो किसी एक मंदिर में अगर भगवान है तो बाकी के मंदिरों में कौन है, और इस पृथ्वी पर जितने भी स्थान है उन सब में कौन रहता है। ठीक है, इट इज दी ओनली कन्विक्शन ऑफ मैन दैट लॉर्ड हरि लिव्स इन ईस्ट। ये केवल एक धारणा है, एक हमारा कह सकते हैं आप पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ये सोचते हैं कि जो भगवान हरि है वो ईस्ट में रहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और जो अल्लाह है वो वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं। इट इज नॉट द ट्रूथ, बल्कि ये सच नहीं है। इनफैक्ट गॉड लिव्स इन अवर सोल, जो ईश्वर है वो हमारी अंतरात्मा में है, वो हमारे मन में रहता है। वी कैन फाइंड बोथ, हम राम और रहीम दोनों को भी फाइंड कर सकते हैं अपने अंदर, बिकॉज गॉड इज वन, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, ना ही उसका कोई नाम है। मतलब ना तो ईश्वर हम कह सकते हैं भगवान राम है, ना ही हम कह सकते हैं कि वो किसी धर्म जाति से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पूरे विश्व में ईश्वर एक ही है, हर धर्म ने उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, ये आप कह सकते हैं इस वर्स के अकॉर्डिंग। He lives in all living beings, जितने भी जीवित जंतु हैं या जितने भी प्रकृति के अंदर चीजें विद्यमान है, चाहे वो फिर पुरुष है या स्त्री है या कोई पुष्प है, सभी के अंदर ईश्वर बसते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर देयर रिफ्लेक्शन, जितने भी स्त्री पुरुष या जितने भी हमारे पास ह्यूमन है वो सभी इनके ही रिफ्लेक्शन है। He says that he is the child of both, वो कहते हैं, कबीरदास ने यहाँ पर खुद को कहा है कि वो राम और रहीम दोनों के ही बच्चे हैं, एंड हिज गाइड एंड गार्जियन। ठीक है, मतलब खुद को उन्होंने किसी धर्म जाति के बंधनों से मुक्त रखा है, वो ईश्वर की भी उपासना करते हैं और वो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो वर्स नंबर 69 है वो भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपकी जो बीए फोर्थ साइन की इंग्लिश की यूनिट फोर्थ है वो भी कंप्लीट होती है। तो 6 की 6 वर्स हम कर चुके हैं, सारी ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सभी।